वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो, जहां पर हम ज़ॉम्बीज़ की वाट लगा देंगे। तो भैया चलो जल्दी से बनाते हैं माइनक्राफ्ट में अपना ड्रीम हाउस, वो भी बिल्कुल ज़ॉम्बी प्रूफ। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ एक विलेज के पास में। भैया विलेज के पास रहना मुझे काफी पसंद है, मैं सही बता रहा हूँ। जंगल खेड़े में घर बनाने में क्या मजा नहीं आता क्या? कुछ लोग पास होने चाहिए, थोड़ी मटर गश्ती दिखती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने घर बनाने की शुरुआत कर दी है, जगह बहुत ही बढ़िया दिख रही है। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर 4x4 का, मतलब 4x4 का एक पूरा स्क्वायर। मतलब तुम घर की डिजाइन देखना एंड में, मतलब मजा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जरा फ्लोरिंग की जाए। अबे गांव वाला कहाँ से आ गया? ऑब्वियसली गांव के पास में हूँ, गांव वाले आएंगे देखने के लिए। अरे भैया हमारी गांव के इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जेसीबी की खुदाई चल रही है। अबे हट जा, नहीं तो मकान के नीचे दब जाएगा। और इस साइड भी हमने बना लिया है सेम टू सेम 4x4 का एक स्क्वायर। यहाँ पर मस्त हमारी बड़ी सी खिड़की लगेगी। और अब मैंने शुरू कर दिया है छत बनाने का काम, फटाफट छत कंप्लीट की जाए। तो हमारे घर की एंट्री कुछ इधर से होगी, ताकि हमें दूर तक के नज़ारे दिखते रहें। एक्चुअली मैं क्या, गांव की तरफ अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो ज़ॉम्बी इस गांव की तरफ से आएंगे, इसलिए मैंने पीछे की साइड एंट्री बनाई है। मतलब कोई साइंस है इस बात में? कोई साइंस है इस बात में? चलिए जल्दी से घर की एंट्रेंस बना ली जाए। टक टका टक टक टका टक टक टका टक टक टका टक। देखो आई नो के अभी मैं क्रिएटिव मोड में खेल रहा हूँ और सब लोग मेरी सर्वाइवल सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यार मेरे मालूम में बहुत बड़ा मैस कर दिया। एक तो मेरा सिस्टम चेंज हुआ, उसके अलावा मैंने एक दिन रात में उस सीरीज वाले वर्ल्ड को खेला और उस वर्ल्ड की ऐसी थी कि ऐसी की तैसी कर दी मैंने। तो डेफिनेटली अब हमने अपना माइनक्राफ्ट अपडेट कर लिया है, तो एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। देखो यार शाम होने को है, क्या प्यारा नजारा है। ये शेडर मैं लगाया है, हम लोग बहुत कमेंट करते थे ना कि शेडर लगाओ अच्छा लुक आता है। तो भाई मैंने सीखा शेडर कैसे लगाते हैं, गूगल बाबा की जय। भाई क्या प्यारा नजारा है, डरने की कोई बात ही नहीं है। ज़ॉम्बीज़ हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, बट ज़ॉम्बीज़ अगर हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती फिर ज़ॉम्बी प्रूफ हाउस बना क्यों रहे हैं? कुछ नहीं भाई, माइनक्राफ्ट में मैं सही बता रहा हूँ, बनाने में ना, घर बनाने में जो मजा आता है ना, वो किसी काम में नहीं आता। तो भैया हमारे घर का कंस्ट्रक्शन खटाखट हम कंप्लीट करते हैं। ये मैंने फ्लोरिंग कंप्लीट कर ली और यहाँ पर, अरे यार बारिश होने लग गई और मेरी छत भी कंप्लीट नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम रोकना नहीं चाहिए। ये मैं बना रहा हूँ किचन भाई, मतलब इंटीरियर भी एकदम माशा अल्लाह मज़ेदार, ऐसा बेहतरीन इंटीरियर बनाऊंगा ना मैं, किसी ने सोची ना होगी। भाई बवंडर तो ऑलरेडी आ गया, देखो पानी वानी गिरने लग गया है। भाई जल्दी से छत वत बना ली जाए, गिरते हुए पानी में कंस्ट्रक्शन चल रही है। और सुबह हो गई, सुबह हो गई मामू, जल्दी 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 जल्दी। और ज़रा अपने घर की छत को कंप्लीट करने के बाद देखा जाए दूर से नज़ारा, अपनी मेहनत को निहारा जाए। वाह, थोड़ी सजावट कर ली जाए घर की। वैसे मैं सोच रहा था कि रेड कलर से डेकोरेशन किया जाए, बट मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। और अपने पास अब क्रिएटिव मोड में सारी चीज़ें हैं तो सबका यूज़ होना चाहिए ना, नहीं तो एडवेंचर मोड में या सर्वाइवल मोड में खेलते हैं तो फिर भाई चीज़ों के लाले पड़ जाते हैं, आयरन तक नहीं मिलता। चलो भाई पटाख से, मेरे घर में क्रीपर घुस गया है, स्केलेटन घुस गया है। ओ भाई धर्मशाला नहीं बना रहा हूँ मैं। चलो भाई हमने करीब आधे घंटे मेहनत करके हमारी छत कंप्लीट कर ली है। वाओ लुकिंग नाइस। अब यहाँ पर खिड़की पर ज़रा कांच लगाया जाए, प्रोटेक्शन ज़रूरी है। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, प्रैक्टिस ज़रूरी है भाई। भाई पूरे घर में हमने कांच लगा दिए हैं, अब थोड़ा डिफरेंट किया जाए इस घर को, मतलब जो हर कोई बनाता है ना वैसा नहीं, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की जाए। मैं यहाँ पर दीवार नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा पिलर्स और पिलर्स के बीच लगाऊंगा मैं फैंस, तो क्या सूरज की रोशनी भी आएगी। अबे क्या मकड़ी फुसर फुसर क्यों कर रही है यहाँ पर, छत को फोड़ के सुपरमैन की तरह निकला जाए। अब थोड़ी सी छत की और सजावट की जाए। तुम सोच रहे हो कि पूरी एनर्जी सजावट में खर्च कर देगा, तो भाई इसको ज़ॉम्बी प्रूफ कैसे बनाएगा? भाई पहले कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको ज़ॉम्बी प्रूफ बनाने की ज़रूरत हो।
भाई ऐसे हम झोंपड़ी बना के उसे ज़ॉम्बी प्रूफ कर देंगे तो फिर मतलब ही क्या है। और भाई अब आता है सिक्योरिटी वाला पार्ट। यहाँ पर मैंने 4x4 का गड्ढा खोदा, फिर उसको थोड़ा सा गहरा किया। चलो यहाँ पर पिलर्स के बाजू में स्टेयर्स लगाकर थोड़ी सजावट कर दी जाए, मस्त लगेगा भाई, सही बता रहा हूँ मैं, एकदम बेहतरीन। मैं गर्दन टेढ़ी करके खेला था कितनी देर से, मैंने अभी कैमरे में देखा। यहाँ पर मैंने 4 स्टिकी पिस्टन लगा दिए हैं, उसके बाद उनके ऊपर रख दूंगा मैं 4 स्टोन ब्लॉक्स। देन उसके बाद मैं लूँगा रेड स्टोन डस्ट, जिससे मैं पाथ बनाऊँगा। जगह बनानी पड़ेगी रेड स्टोन के लिए भाई, बड़ी मगज मारी। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेड स्टोन रिपीटर लगा दिए हैं, जिनसे मैं रेड स्टोन डस्ट को कनेक्ट कर दूंगा। ओह ये इट वर्क्स, हमारा पिस्टन की वजह से हमारा जो पुल बनाया, ब्रिज बनाया था मैंने स्टोन ब्रिक्स का, यस वो काम कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँगा, पहले जगह को पूरा पैक कर दूंगा। तो यहाँ मैंने ग्रास से पूरा पैक कर दिया है, अब देखते ही चल रहा है क्या। यस इट्स वर्किंग, चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। पूरा कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर भर देंगे लावा। अब देखो भाई क्या मज़ा आएगा। अभी लावा मैंने दोनों साइड भर दिया, मैं जैसे इसको ऑफ करूँगा ना, मेरी स्टेयर ऊपर आ जाएगी। नीचे करूँगा स्टेयर नीचे चली जाएगी, नॉट स्टेयर ब्रिज, वही चला। चलो जल्दी से पिलर्स खड़े करते हैं घर के चारों ओर। यहाँ पर मैंने एक बाउंड्री बना दी है ऑलरेडी, और मैग्मा ब्लॉक्स को भर दिया है और पिलर्स खड़े कर रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा मगजमारी हो रही है, जल्दी 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 पूरा घर को सिक्योर किया जाए। वाओ वाओ लुकिंग सो गुड, टू मच गुड। अबे और यहाँ पर मैं रॉड्स लगाऊंगा, क्योंकि भाई रॉड्स जो घर को लुक देती है ना। मैं फिर गर्दन टेढ़ी करके खेला था क्या, आई ला। चलो फटाफट से हमने चारों तरफ लगा दिए हैं रॉड्स, और सुबह हो गई है मामू। और ये क्रीपर मेरे घर में स्पॉन कर गया है, चलो इसकी बैंड बजा देंगे हम। वाओ ऊपर से लुक देखो भाई, और रात में तो क्या मस्त लगेगा, एकदम क्या मस्त लगेगा जब रॉड्स चमकेंगी, लावा और मैग्मा ब्लॉक की रोशनी निकलेगी। थोड़ी सी और डेकोरेशन कर दूंगा मैं। रात का नज़ारा देखिए आप, घर ज़ोंबी प्रूफ हो या ना हो, लेकिन घर बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो थोड़ा इंटीरियर डेकोरेशन किया जाए। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने बनाया है किचन। ये है मेरा मॉड्यूलर किचन। यहाँ ऊपर मैं शक्कर, चाय पत्ती, नमक मिर्ची, लहसुन सब रखता हूँ, और गांव वाले से चुरा कर उनकी ब्रेड खा लेता हूँ। खाना नहीं बनाता मैं इस किचन में, क्योंकि भाई इस किचन में गैस चूल्हा ही नहीं है, तो खाना कहाँ से बनाऊँगा मैं। चलो कोई ना, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही प्यारी सी चीज़ देख के। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दोगे, यू नो यूट्यूबर्स प्रॉब्लम, लाइक मांगने पड़ते हैं, नहीं तो तुम लोग नहीं करते हो। देखो ये है मेरा इंटरटेनमेंट रूम। अब तुम बोलोगे भैया इसमें सोफ़ा कहाँ है, सोफ़ा भी नहीं बनाया मैंने, बना लूँगा मैं। ये देखो मेरा 55 इंच का टीवी, और उसके बाजू में लगे हुए हैं साउंड बॉक्स। वाह अब देखो भाई घर अंदर से कितना प्यारा लग रहा है, देख रहा हो तुम, मतलब देख रहे हो भाई, देख रहे हो। चलो टीवी ऑन करके कुछ देखते हैं। पवंडर आएगा, पवंडर ला दूंगा एक एक को। ज़ोंबीज आ गए हैं, स्वागत करें ज़ोंबीज का राजश्री पान मसाला के साथ। आओ बेटा आओ, आ जाओ। देखो भाई ज़ोंबी अपोकलिप्स हो चुका है हमारे शहर में, हमारे गाँव के लोग मर रहे हैं, लेकिन ज़ोंबी का बाप और ज़ोंबी का बच्चा कोई भी इस घर में घुस नहीं पा रहा है। कितने सारे ज़ोंबीज मैंने यहाँ पर स्पॉन करा दिए हैं टेस्टिंग करने के लिए अपने घर की, देख रहा हूँ, मतलब ज़ोंबीज का प्लेग्राउंड बना हुआ है। मैं सही बता रहा हूँ, ज़ोंबी प्रूफ घर तो है, लेकिन घर लग बहुत ही प्यारा रहा है। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मुझे ईमानदारी से अच्छा लग रहा है। मेरे घर में स्केलेटन घुस गया अबे, की ऐसी की तैसी, बस पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। निकल पहली फुर्सत में निकल। सो फाइनली हमारा घर बन गया है, और ज़ोंबी प्रूफ भी हो चुका है, देख लिया हमने टेस्टिंग करके। आपको घर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यार आई नो के सर्वाइवल सीरीज मुझे भी खेलने में मजा आता है, तुम्हें भी देखने में मजा आता है। मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा, और अब पक्का कसम से वादा कर रहा हूँ रेगुलर वीडियोज बनाऊंगा मैं, है ना। ये मेरे दिमाग में बस ऐसे आइडिया आया था कि यार ज़ोंबी से रिलेटेड कुछ काम किया जाए माइनक्राफ्ट पे, तो फिर मैंने घर बनाना शुरू किया। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो डाल दिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।
मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।